एंड जब आप प्यार करते हो ना तो आपको अपने लवर्स की आंखें ना दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एंड इस गाने की बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारी कास्टिंग इतनी प्यारी थी, हमने रश्मि को कास्ट किया, इनकी आंखें डिजर्व करती हैं ये हुक लाइन। मैंने अभी इससे पहले भी बोला था कि एक जैसे नरगिस जो लाइन थी, हमने नरगिस एक्ट्रेस जो थी उनकी उसकी आंख से लिया, एंड वो डिजर्व करती हैं रश्मि के साथ में, और एज इज टू ब्यूटीफुल। तो ये गाना इनको सूट करता है, जो भी सुनेगा उसको मजा आएगा सुन। सर How was your experience working with Rashmi? Beautiful, very nice. And जब हम लोग casting कर रहे थे, instantly मतलब रश्मि जी का वो आया, हमने कहा let's approach her, and she's such a big artist, and कि जो fan following है, it's so crazy. मतलब मुझे अभी तक इतने messages आ रहे हैं इस गाने को लेके, मतलब she has got a huge army behind her, who are pushing the song all over, because considering that it's a new label, new channel, and getting 1.4 million views in one day is good. But we hope to cross hundreds of million by all of your love. But we had a great time shooting in Mathura. Yeah. It's a very beautiful place. Vrindavan is a very Actually, nice place. But it wasn't easy, I would say, because this time there was a lot of rain. Right. When we were shooting, it took a little time. He's not from India. And he has his own commitment. So, all these things. But I wasn't here. So, time was a lot. But I think इतनी difficulty के साथ भी the song is very simple but yet it has its own beauty. तो and I would like to say one thing, जब हम shoot कर रहे थे, I think Rashmi ji को she had this sprain in her leg also, and ये she is not well, but ये इतनी professional artist है, मतलब in spite of all the difficulties और time भी extra लग गया था, I think ये कुछ घंटे भी extra लग गए, she did it beautifully. Why enjoyed shooting? And ma'am, what was the first thing came in your mind when आपको पता चला कि यू आर गोइंग टू डू दिस सॉन्ग? मैंने कभी म्यूजिक एल्बम्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने ये गाना सुना, मुझे गाना बहुत अट्रैक्टिव लगा था, एंड मैंने इतना सिंगर पूछा, डिटेल्स पूछी, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि म्यूजिक आप सुनते हो तो आपको पसंद आना चाहिए, एंड आई थिंक ये गाना उतना ही सूदिंग है। इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे थे, एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक एक विद्या बालन जी का गाना है उनकी फिल्म का तेरे वास्ते दिल सूफी आना के बाद, आई मस्ट हैव लाइक दिस सॉन्ग, जो मुझे शायद अगर मैं लूप पे भी लगाऊं तो मुझे अच्छा लगे, नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट, बट आई मीन प्रैक्टिकल आई एम टेलिंग यू गाइस। एंड जिस तरह से शूट किया उसे, वो बहुत ही सिंपल वे में से शूट किया था, श्योर कि मैं करूँ या नहीं करूँ, बट आई एम ग्लैड दैट आई टुक द डिसीजन टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके संजीव सर, आपसे बात करते हैं, इसका जो लिरिक्स है वो काफी स्मूथ, सॉफ्ट और सूदिंग है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया?